लद्दाख सीमा पर चीन लगातार अपने नापाक इरादों की नुमाइश कर रहा है, लेकिन इस बीच भारत को ऐसी कामयाबी मिली है जिसके बाद चीन से लेकर पाकिस्तान तक थर्रा रहे हैं। भारत ने चीन के साथ जारी तनातनी के बीच हिमाचल प्रदेश में एक और सुरंग बनाने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद भारत LOC से लेकर LAC तक अपनी रणनीतिक पहुंच को और मजबूत करेगा। यही वजह है कि मनाली लेह मार्ग की सामरिक महत्व को देखते हुए अब शिकुला दर्रे के इस सुरंग को भी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली टनल 13.5 किलोमीटर लंबी होगी। टनल के बनने से 12 महीने लेह के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध होगी। इस सुरंग के बारे में बताया जा रहा है कि ये सुरंग 9.2 किलोमीटर तक लंबी घोड़े के नाल की आकार की सिंगल ट्यूब टू लेन सुरंग होगी। ये सुरंग समुद्री तल से 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होगी। मौजूदा वक्त में केलांग लेह राजमार्ग मुख्य रूप से सशस्त्र बलों द्वारा लद्दाख में चालवा चीन और नापाक पाकिस्तान की सीमा पर स्थित क्षेत्रों में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों की ओर से मिली जानकारी की माने तो अधिकारी रोहतांग पास सुरंग के पूरा होने के साथ मानते हैं अब भारत सरकार का पूरा ध्यान शिकुला सुरंग के निर्माण के लिए तीसरे मार्ग लद्दाख के सामरिक महत्व के कारण बदल जाता है। अगर मौजूदा वक्त की बात करें कि लद्दाख की ओर जाने के लिए भारतीय सेना आवाजाही के लिए दो मार्ग इस्तेमाल करती है, लेकिन इस वक्त बर्फबारी की शुरुआत हो रही है। आगे चलकर यह बर्फबारी बढ़ जाएगी और ये रास्ते 6 महीने तक के लिए देश के बाकी हिस्सों से कट जाते हैं। टनल के बनने से शिकुला 16,600 फीट, बारालाचा 16,040 फीट और लाचुंगला 16,600 फीट जैसे ऊंचे दर्रों को पार करने की चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। यात्रा में करीब 5 से 8 घंटे कम लगेंगे। मौजूदा समय में मनाली से लेह की दूरी 474 किलोमीटर है, जबकि इसी रूट से करगिल 690 किलोमीटर। शिकुला दर्रा होकर मनाली करगिल की दूरी 515 किलोमीटर रह जाती है। टनल बनने से ये सफर 70 किलोमीटर कम होगा। इससे पहले ही हिमाचल प्रदेश में BRO ने अटल टनल का निर्माण किया है। वहीं इस सुरंग के निर्माण हो जाने से चीन की हर हरकत पर बेहतर तरीके से निगरानी की जा सकेगी। इसके साथ ही सीमाई इलाकों में सेना के आवागमन भी आसान हो जाएगा। हाल ही में बताया जा रहा है कि प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य का जायजा लिया था, ताकि शिकुला टनल के कार्य की DPR जल्द रक्षा मंत्रालय को सौंपी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।